हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एक प्राइवेट कंपनी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी के नेम है डी मार्ट। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं डी मार्ट एक रिटेल कंपनी है यहाँ पे, जो कि ग्रॉसरी से लेके सब कुछ यहाँ पे आपको लाइफस्टाइल के सब कुछ चीज़ यहाँ पे मिलते हैं। तो इस ऑल ओवर इंडिया में इसका जो स्टोर है, यहाँ पे बहुत सारे जो कि एम्प्लॉई या बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी निकला होता है पर मंथ, यहाँ बहुत सारे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो इस तरह से 2018 के लास्ट मंथ जो कि दिसंबर में यहाँ पे बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आप लोग बताऊँगा किस तरह से आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ 2019 जनवरी में बहुत सारे और भी जो कि पोस्ट निकला होंगे, जिसके लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में अभी आप लोग को बताऊँगा कि क्या क्या करंट ओपनिंग यहाँ पे निकला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट जो पोस्ट निकला हुआ है एरिया मैनेजर डीसी ऑपरेशन के लिए, जिसके लिए यहाँ पे आपको लॉजिस्टिक या वेयर हाउस के आपका यहाँ पे काम है। सिटी और जॉब लोकेशन आपको यहाँ पे रहेगा हैदराबाद में। और इसका जो डिटेल्स है यहाँ पे आप जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्यूटी जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, MEP मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर कैटेगरी लगेज मैनेजर, IT, SAP, FI, AAM, TRM, लीड सीनियर मैनेजर, मेंटेनेंस एंड स्टोर मैनेजर। दोस्तों इस तरह से बहुत सारे और भी पोस्ट जो कि 2019 में पहले ही मंथ में और भी बहुत सारे कैटेगरी डिपार्टमेंट से जो कि जॉब आपसे इस साइड में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाके आपको कुछ भी जॉब के लिए, कोई भी जॉब के लिए अगर आप चाहते हैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना, आप उस जॉब के अंदर क्लिक करके उस जॉब का डिटेल जो है एक बार पढ़ के उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई के जो डेट है आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2020। तो दोस्तों यहाँ पे डेट जो कि बहुत देरी बहुत ज़्यादा दिया गया है, जिसको यहाँ से आप लोग जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इस जॉब के बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जॉब के लिए आप अप्लाई करना कर रहे हैं। तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पे जो डिटेल्स दिया गया है जॉब के बारे में आप लोग यहाँ से वो देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है स्टोर मैनेजर, जिसके लिए जॉब कोड है 1, रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे 10 to 12 ईयर, इंडस्ट्री और प्रेफर्ड जो कि हॉस्पिटलिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है एज ए स्टोर मैनेजर ऑपरेशन यू वर्क विल ईकॉम पास हैंडलिंग ए लार्ज टीम ऑफ मिनिमम 70 पीपल अक्रॉस द डिपार्टमेंट लाइक कैश सेल्स मर्चेंडाइज हाउस कीपिंग सिक्योरिटी एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटर। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिलफरेज कंट्रोल, इन्वेंटोरी कंट्रोल, बिजनेस डेवलपमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू योर टीम ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजर एंड एजर ऑफिसर। यू सेल एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम लियाजेशन विद द लोकल अथॉरिटीज एंड अथॉरी टू द ऑल कंपनीज। यू नीड टू हैव द एक्सलेंट इंटरपर्सनल स्किल एंड लीडर हु लीड बाई एग्जाम्पल गुड एंड मल्टीटास्किंग एंड स्ट्रॉन्ग इन ओरल कम्युनिकेशन। यू वुड बी रिपोर्टिंग टू द एरिया मैनेजर ऑपरेशन। तो दोस्तों ये था जॉब डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आते हैं जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ रहेगा। तो दोस्तों मैं पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, डी मार्ट में बहुत सारे जो कि स्टोर अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया में। तो इसके लिए आपका जॉब लोकेशन भी ऑल ओवर इंडिया में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पोस्ट के लिए आपका जॉब लोकेशन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, दिल्ली में आपको इसका जो जॉब लोकेशन आपको मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर जो ग्रीन बटन है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा, जिस फॉर्म को आपको यहाँ से फिलअप करके आपको सबमिट करना होगा। तो पहले यहाँ पे जो डिटेल्स दिया हुआ है इसको मैं एक बार पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है चूज अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। डीमार्ट इज एक्सपेंडिंग अक्रॉस द डिपार्टमेंट
with steady inflow on new business, the environment is thus filled with the excitement and lots of opportunity for the professional learning and personal development. We believe in learning through the opportunities as an equivalent opportunity employer. We strongly maintain that anybody can be a part of DMART. We encourage employees from every background to the bring in their best in terms of new ideas, innovative through the process and the positive outlook towards work, and judge team only on the basis of their professional material. Be a part of this dynamic team. Simply fill out the below the details for the HR to contact you. So, दोस्तों enroll करने के लिए यहाँ पे आपका first आपका जो job details जॉब पोस्ट है आपको यहां से वो सिलेक्ट करना होगा. दोस्तों यहां पे बहुत सारे जो कि पोस्ट आपको मिल जाएगा, इसमें से आपको कोई भी पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं इसमें से आपको वो सिलेक्ट करके आपको यहां पे सिलेक्ट करना होगा. उसके बाद आपका फर्स्ट नेम जो है यहां पे देना होगा, आपका लास्ट नेम, आपका जेंडर यहां पे सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, एड्रेस, फुल एड्रेस आपको यहां पे देना होगा, उसके बाद कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको यहां पे देना होगा, आपका सिटी के नेम, पिन कोड, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड एजुकेशनल डिटेल्स जो कि यहां पे माध्यमिक सॉरी एसएससी एचएससी यूएस अंडर ग्रेजुएट जो लोग हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग हैं यहां पे अप्लाई कर सकते हैं. इसके साथ साथ दोस्तों यहां पे एक बात मैं और भी बता देता हूं कि जो लोग यहां पे एक्सपीरियंस है वो लोग भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग फ्रेशर है वो लोग भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं. यहां पे कोई ऐसा नहीं है कि जो लोग एक्सपीरियंस है वो लोग ही यहां पे अप्लाई कर सकते हैं. यहां पे जो लोग फ्रेशर है, जो लोग करंटली पास आउट हुआ है एजेस और पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट वो लोग भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं. तो दोस्तों उसके बाद यहां पे आपका जो रिज्यूम है आपको यहां पे अटैच करना होगा. उसके बाद यहां पे जो कि सिक्योरिटी कोड दिया गया है इसको यहां पे आपका पुट साथ देके आपको यहां पे अप्लाई करना होगा, अप्लाई या सबमिट कर देना होगा आपका फॉर्म. तो इस फॉर्म को अप्लाई या सबमिट करने के बाद आपको क्या करना होगा, कुछ दिन वेट करना होगा. अगर आपका जो सीवी या आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म अगर शॉर्टलिस्ट या सिलेक्टेड होता है इस जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए, तो उसके बाद आपको एजर से आपको ईमेल आएगा या कांटेक्ट कर लेगा आपका. उसके बाद आपका इंटरव्यू के थ्रू आपको यहां पे सिलेक्शन होगा. तो दोस्तों इस तरह से जो डिमांड में और भी बहुत सारे जो कि पोस्ट है जिसके आप सेम प्रोसेस आपको फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं. और कोई भी कंफ्यूजन होता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूंगा. थैंक यू फ्रेंड्स.